ये देखो मम्मी, नहीं रहे कैसे हो भी बैठो, बनता चेहरा में बैठो, खेलवा चलो चेहरा दो ना इसको, ज़्यादा क्या बैठे के ना क्या उसका खाता सुनने खाता हूँ लेकिन चंद्रमा ग्रहों में सूर्य वर्णों में ब्राह्मण देवताओं और विष्णु भगवान गंगा पुराणों में महाभारत वेदों में सामदेव और इंद्र में इन श्रेष्ठ में सब पुराणों और वेदों का सर्वसम जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन वर्त बतलाता हूँ, एकांत मन से सुनो। जिस वर्त के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊँगा क्योंकि तुम मेरी ऋषि हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर जिस व्रत को किया था यह कृतार्थ मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ मैं क्यों यह व्रत किया था? ग्रह सब आपके सुख से सुनना चाहते, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। वह उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमवान नामक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार की वसु उस पर निवास करते थे। वहाँ पहुँच कर गंधर्वों के नाथ साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरित करते थे, मतलब चलते थे। वहाँ पहुँच कर गोवर्धन गाते हैं, अप्सराएं नाचती थी। उस पर्वत राज के किनारे ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें सीमा नदी ने प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महावर्त का प्रणाम किया। हिमवाहन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुँचती ही गिरे पड़े। हाँ जय भगवान, बोलो। हाँ बोलो बेटा, नग सुख गणेश कैसे खाएगा तुम्हें, बोलो। तो बहुत देरी न होगा, हमको बहुत तेज भूख लगा हुआ है, चलो खिला दो बस उनको। इसको मतलब कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेके चलो ना भैया, ले जा। अरे नहीं कुछ बोलेगा, तुम लोग अपना रहने दो। जो भी कहा हम दूसरा जगह में रहेंगे, समझे? हाँ। दूसरा जगह पे चल लेंगे, चिराग में कैसे रहते हैं वैसे ही, दूसरा जगह अपना हम चल जाएंगे, साथ में थोड़ी बैठेंगे। हाँ ले लो भैया, थैंक यू। बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं के सोते हुए देखा, देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तू सिंह व्याघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा को विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा, वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, इसलिए तुमने मेरा अर्थार्षण पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह वर्त प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा है, तुमको सखियों हर ले आई थी इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु आपने
नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताएं, विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है और क्या फल है और यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती वह यथा पूर्व इस व्रत को करे। जय महादेव भगवान की जय, माता गौरी की जय। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। इसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों और चंदवालों लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिपवावे। फिर शंख भैरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्र होकर तरह तरह के मंडलाचन करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्र मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फल मिले, जो फल तथा फूल मिले मिल सके विशेष रूप से कर सके। इसके बाद धूप दीपाती से पूजन करें, प्रार्थना करें, हे देवी। शिवपुरी जय महादेव। तो कथा हम कर लिए हैं पूजा का, अब हम आरती गा रहे हैं, आइए आरती में शामिल होते हैं। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, माता गौरी की जय, पंचमुखी गणेश भगवान की जय। भूल चूक से गलती क्षमा करिएगा भगवान। जय तीज देवता की जय, तीज माता रानी की जय। जय अग्नि देवता की जय। दोस्त आरती हो गया, पूजा हो गया और अब चले थोड़ा सा भगवान का एक भजन कर लेंगे। और आप लोगों का भी पूजा शायद हो ही गया होगा, इसलिए आप लोगों सभी को हैप्पी तीज, सभी बहनों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं।
और हर साल हम लोग सभी बहनें इसी तरह तीज करते रहें और सभी खुश रहें। हैप्पी तीज सभी बहनों को। नमस्ते, बाय बाय। तो तीज में एक भजन गा रहे हैं महादेव जी का। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा बिराजे, भोले की जटा में गंगा बिराजे, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा बिराजे, भोले के माथे पे चंदा बिराजे, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प बिराजे, भोले के गले में सर्प बिराजे, सर्प बिराजे, सर्पों में ओम समाया है, सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू बिराजे, भोले के हाथों में डमरू बिराजे, डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया।